देखो, सभी बच्चे वित्तीय लेखांकन में ये जानना चाहते होंगे कि कोई पांच इम्पॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाए, जिनसे प्रैक्टिकल आ जाए, जिनसे थ्योरी आ जाए, और अगर हमसे थ्योरी बनता है तो हम थ्योरी पढ़ के पास हो जाएं, अगर हमसे प्रैक्टिकल बनता है तो हम प्रैक्टिकल बना के पास हो जाएं। साथ ही साथ ये भी चाहते होंगे कि सारे प्रैक्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है उनके क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाए। तो सब कुछ आपको देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। देखो, अलग अलग वीडियो बनाने से बेहतर है मैंने एक ही वीडियो पे सब कुछ बताने को तय किया है कि इसी वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी बता देता हूँ और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी बताऊँगा कि क्या क्या है, टिक लगाना है आपको, बुक निकाल के बैठिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आज मैं इसके जितने भी जर्नल एंट्री है उसके आंसर PDF बना करके टेलीग्राम में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक शायद अपलोड हो चुका होगा। तो टेलीग्राम का नाम रहेगा आपका कॉमर्स विद शंकर सर, कॉमर्स विद शंकर सर लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी आप कमेंट करके भी टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। देखो, जिन बच्चों को थ्योरी पढ़ना है ना और ये जानना है कि कौन कौन सी थ्योरी आ सकती है, तो आपका चैप्टर वन से लेकर के ना चैप्टर 4 तक की जो चैप्टर हैं उनकी थ्योरी एग्जाम में आती है। कभी चैप्टर 1 से, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी आते रहती है। जैसे कि लेखांकन करते क्या है, ये पूछा जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है लेखांकन के विशेषता, अर्थ पूछेगा तो विशेषता या प्रकृति को पूछना कॉमन होता है, ठीक है? इसके साथ साथ अब अलग से ये आ जाता है कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों को समझाइए। बोला जाएगा लेखांकन का अर्थ, प्रकृति, क्या लेखांकन कला और विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर लेखांकन क्या है, इसकी विशेषता बताइए तथा उद्देश्यों का वर्णन करें, तो फिर आपके पूरे उद्देश्य पढ़ने होते हैं। इस तरह से ना उद्देश्य, लाभ, ये 3-4 टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर अलग से अगर आधारभूत सिद्धांत से क्वेश्चन आना है तो ये आता है लेखांकन सिद्धांत क्या है, सिद्धांत की परिभाषा और इस सिद्धांत की विशेषता, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, मतलब इसकी प्रथा कितनी है, तो ये 4 प्रकार के हैं आपको बताना पड़ेगा। ये पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ती है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? तीसरा जो होता है आपका, तीसरा नहीं, यही है शायद, हाँ यही है, लेखांकन मानक होता है, ठीक है? चैप्टर 3 में क्या है, लेखांकन मानक, जिसको इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो इसमें भी लेखांकन मानक क्या है, उसका अर्थ है ना, डेफिनेशन, और उसका मीनिंग पूछने के बाद उसकी विशेषता पूछता है और कैरेक्टर्स। फिर भारत में इसका क्या महत्व है, ठीक है, IFRS का ये पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती है, और उनसे अगर ना पूछा जाए तो फिर यहाँ से आता है दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है ना, तो दोहरा लेखा प्रणाली का सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? ये डबल डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है ये पूछा जाएगा, उसका आशय पढ़ना है, उसकी परिभाषा पढ़नी है, उसमें विशेषता भी पढ़नी है, मतलब ये पॉइंट, उसमें लाभ भी पढ़ना है, मतलब ये पॉइंट्स, है ना? ये पूरी डिटेल से आपको थ्योरी पढ़नी होती है। वो किसी भी दो चीज़ों को पूछेगा, ये भी पूछा जाता है, 200 सीमाएं पूरे 4 है, चारों को आपको याद कर लेना है, ठीक है? अभी मुझे सर्दी हो गया यार बहुत दिनों से, इसलिए मैं अभी ज़्यादातर वीडियो नहीं बना रहा था, पर फिर भी अपनी कमजोरी को साइड में करते हुए आपके लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें से आपके उदाहरण 1 से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उदाहरण पहला भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि क्या आएगा। तो उदाहरण पहला, इसके आंसर ना प्रॉपर इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी हाँ, हिंदी मीडियम के छात्र भी इसको पूरा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। देखो, जब भी पूंजी से व्यापार आरंभ होगा तो रोकड़ खाता विकलन लिखना पूंजी से, कुमार स्टील से नगद खरीदा, नगद खरीदा तो नाम का कोई महत्व नहीं है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रसाद स्टील से उधार माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन प्रसाद स्टील से, क्योंकि उधार में किसी का नाम जरूरत होता है। कुमार स्टील को माल वापस किया तो जिसको वापस किया वो विकलन क्रय वापसी से। इसी तरह से सारी प्रविष्टि आप करेंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आपको उदाहरण 1 से लेकर के पूरे उदाहरण तक IMP क्वेश्चन देखना है। तो आपको उदाहरण पहला, उदाहरण तीसरा IMP क्वेश्चन हो जाता है, आप उदाहरण तीसरा भी देख सकते हैं, ठीक है? ये
एग्जाम्पल 3 करके इंग्लिश मीडियम के छात्रों के में दिया होगा। फिर ये 9 है ना, एग्जाम्पल जो 9 है जिसमें विशिष्ट लेन देन है, ये आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, ये एमपी है। क्रियात्मक में आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वो आपका एग्जाम्पल 2 होता है, ठीक है, और एग्जाम्पल 4 भी आपको देख लेना है, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 11, सॉरी क्रियात्मक है ना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। बाकी इधर 19, 20, 21, 18, 19, 20 जो है ना, इसमें से मिला करके कुछ कुछ टॉपिक को किसी में दिया जा सकता है, तो कोई चार्ट हो तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े मैं अभी बताया ना उनमें से उन्हीं के अंदर ऐसे कुछ टॉपिक को ऐड करके दिया जाएगा। साधारण सा एक बार जैसा दिया वैसा ना दिया नहीं दिया जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा। अब इसी तरह से अगला जो चैप्टर है वह है आपका अंतिम खाते का, ठीक है। अब जो है वो अंतिम खाते का है, तो अंतिम खाते से पहले क्या क्या थ्योरी आता है वो बता देता हूँ। देखो इस चैप्टर से थ्योरी आती है, पहले आती थी, अब अभी भी आएगी कि नहीं कन्फर्म नहीं है, पर आ सकता है, इसलिए पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि यूनिट 2 में भी ये चैप्टर शामिल है, और यूनिट 2 में जो शामिल है अंतिम खाते के साथ अथवा में वो आ सकता है। अब इस बार यूनिट 2 में ना मूल्यह्रास को भी डाल दिया गया है, तो मूल्यह्रास की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो थ्योरी वालों को तो बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो मेरा काम है बताना, मैं बताता हूँ पूंजी का आशय, आय का आशय, पूंजीगत व्यय क्या होता है, आयगत व्यय क्या होता है, इसको विस्तार से पढ़िए, और दोनों में अंतर दीजिए, लगभग 14 पॉइंट में अंतर है, इनको आपको लिख लेना है। आयगत व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है, क्यों? पूंजीगत प्राप्ति आयगत प्राप्ति में अंतर, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। वैसे ही आपका अंतिम खाते का मैं कुछ प्रैक्टिकल बता दूं, देखो अंतिम खाते में जो उदाहरण है ना वो मुझे काफ़ी बेटर लगा, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, और मैंने बच्चों को बनवाया भी है। ऐसे छोटे छोटे संयोजन के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें 8 से 10 ही पॉइंट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन 1 से लेकर के इधर क्वेश्चन 7 तक बन जाता है तो बहुत अच्छा है, 7-8 तक, और इधर आपका 11 से लेकर के है ना 14 तक बन जाता है तो बस बहुत बढ़िया, इन्हीं में से कोई एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। और ये सभी पर मैंने धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो बनाई हैं, आप देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फाइनल अकाउंट का लिस्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सीख सकते हैं, और सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। सारे वीडियो देखिए और अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन को सीखिए, ठीक है। अब आपका इसमें से आ सकता है ह्रास की थ्योरी, क्योंकि मैंने बताया कि मूल्य ह्रास को भी जोड़ दिया गया है, आपका चैप्टर 14 है। अब ये जो चैप्टर है ना कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, और ह्रास उत्पत्ति के कारण बोल सकते हैं कि ह्रास क्या है उसके उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर ह्रास उच्चावचन और प्रचलन में अंतर दीजिए, ये सेमेस्टर में भी आता है बच्चों के, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ लेना है। ठीक, अब कई कॉलेजेस में ना हो सकता है अंतिम खाते के अथवा में डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ जाए, है ना, हमारे खुद इसमें भी आ सकते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उदाहरण नंबर 17 प्रैक्टिकल बना करके देख लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका 19-20 भी बना कर देख लेना है, क्योंकि ये थोड़े हट के टॉपिक है। यहाँ से आपका ये जो टॉपिक है ना ह्रास वार्षिक तालिका की दर से एग्जाम्पल नंबर 21, ये सभी को समझ लेना है, इस पर वीडियो बन चुका है, इसको देख करके सीखिए बनाइए, ठीक है। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 23 जो कि है ह्रास कोष खाते का एक नमूना, इस पर भी वीडियो बन चुका है। नीचे बीमा पॉलिसी है, इस पर भी वीडियो बन चुका है। सबके वीडियो देखिए और बनाना सीखिए, एक एक क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम्पल या क्रियात्मक का बना लेते हैं तो फिर बहुत है, इस पर ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है।
इसी तरह से हाँ कंप्यूटर्स पर थ्योरी आएगा, तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 तो सबके लिए है कि सबको आपको थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, सभी बच्चों को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 17 आप देख सकते हैं ना, इसमें कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली का उद्भव, अर्थ, ये पूरा विस्तार से एक पेज आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूछा जाएगा उसकी विशेषता, उसके लाभ, उसकी सीमाएं, ये पूरा थ्योरी डिटेल से पढ़ो। इन्हीं में से कोई एक टॉपिक्स आना चाहिए, लेखांकन सॉफ्टवेयर का साधन, ठीक है, और ये मानवीकृत लेखांकन प्रणाली और कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली में अंतर, ये सब पूछा जा सकता है। ये सब इम्पोर्टेंट छठे हुए टॉपिक है जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको बनाना पड़ेगा। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये यूनिट 3 है और यहाँ से पूरे थ्योरी दे दी गई है कंप्यूटर का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का, टेली का, तो आपको पूरा ना ये थ्योरी पढ़ना पड़ेगा बच्चों, जो जो मैं बता रहा हूँ। और एग्ज़ाम में ना इन्हीं में से कुछ कुछ आएगा, स्टॉक वाउचर जैसे दिया है ना, और टेली वाउचर, ऑर्डर वाउचर, समूह वाचक, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इनमें से कोई भी चीज़ अथवा में आपको एग्ज़ाम में मिलेंगी, ठीक है। आते हैं हमारे किराए क्रय पद्धति में, इसमें से ना अगर आपने एग्जाम्पल 1 बना लिया तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, आपने एग्जाम्पल 2 बना लिया तो आपके एग्जाम्पल की आपके किराए का पद्धति की तैयारी हो गई है, ठीक है। अर्थवर्ष भुगतान आपने सीख लिया तब भी आपकी तैयारी हो गई। इसमें हमें 4 टॉपिक देखने होते हैं, एक आपका रोकड़ मूल्य निकालना है, ये आपने सीख लिया तो इसकी तैयारी हो गई। अब इन सभी पर वीडियो ना मैंने बना दिया है, हायर परचेस का एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके ना आपको देख लेना है। एक है क्रेता द्वारा बीमा प्रीमियम देना, ये आपका है एग्जाम्पल 12, इस पर भी वीडियो बन चुका है, इसको जा कर के देखो और सीखो। ये लगभग 4 टॉपिक आपको क्लियर है ना, तो बस आप अपने एग्ज़ाम से डरो मत। लास्ट ईयर में बिलासपुर ने क्या पूछा था वो बताता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर में बिलासपुर ने आपका ये प्रैक्टिकल 2 पूछा था, तो इसमें 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये नहीं भी आया तो आपका 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, 9, 10, इतने में से कोई भी टॉपिक आप अगर आप 10 तक के टॉपिक्स बना लेते हैं ना, तो फिर आपको डरना नहीं है, आप केवल इसके 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सब की थ्योरीज होगी अथवा में आ सकती है, जो कि प्रेषण वाला चैप्टर है, बाकी अभी विस्तार से नहीं कह सकते कि क्या आएगा, पर हाँ इनकी थ्योरीज वगैरह पढ़ सकते हैं आप, प्रेषण की, शाखा खाते की थ्योरी पढ़ सकते हैं, शाखा खाते के प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। शाखा खाते क्या है इसकी प्रैक्टिकल थ्योरी आपको पढ़ लेना है, और अंतिम जो आपका चैप्टर होता है वह होते हैं संयुक्त साहस के। तो संयुक्त साहस का अर्थ क्या होता है, अर्थ पूछा जाएगा, ठीक है। संयुक्त साहस 20-25 का चैप्टर है, इसमें इसके लक्षण विशेषता पूछा जाता है, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें अंतर आता है संयुक्त साहस और प्रेषण में अंतर जो पीछे दिया हुआ था, इसमें संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर भी पूछा जाता है। इसमें काफ़ी थ्योरीज है एग्ज़ाम में ना, इससे थ्योरी ज़रूर आना चाहिए यूनिट 5 से, और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके साझेदारी से, इसका भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हर साल जब साझेदारी से दिया है ना, तो इस साल भी साझेदारी से देगा, जिसलिए जिस जिसका आपका उदाहरण 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, उदाहरण 2 आप देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण 3 का भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं ये, सब एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। उदाहरण 5 से 6 आप उदाहरण 6 तक बिल्कुल बनाइए, है ना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद आपको मैं बोलूँगा कि आप उदाहरण 13 बनाइए, उदाहरण 13। वैसे आप इधर क्रियात्मक प्रश्न में ना आपको 3 तक बना लेना है, क्रियात्मक प्रश्न में 3 तक, और 3 के बाद आपको 12, 13, 14 बना लेना है, ठीक है बच्चों। 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ तक अगर आपका बन गया तो ये आपके पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरे टॉपिक्स का तैयारी हो गया समझो। तो यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी बता दी, प्रैक्टिकल भी बता दी, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिया, है ना, किसमें से थ्योरी आएगा, किसमें से प्रैक्टिकल आएगा, सब कुछ क्लियर करवा दिया। अब इसकी सहायता से आप अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पर वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिया है,
कुछ के पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और वहाँ के आपको पूरा ए टू जेड चाहिए ना, तो आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, जो कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बुक ही आप लेते हैं तो लगभग 700 का आपका बुक आता है। इसमें विद सोल्यूशन एमपी क्वेश्चन मैंने बना करके आपके लिए 199 में आपका पीडीएफ तैयार किया है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं और घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी 10 दिन बाकी है, जिसमें आपको बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। तो इसी तरह से वीडियो बनते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नेक्स्ट कमेंट कर देना। बाय बाय।